पीडीएफ लगातार हो रही बयानबाजी से बढ़कर मंत्री प्रसाद नैथानी बोले कांग्रेस के मंत्री पीडीएफ के खिलाफ बोलना बंद करें या पीडीएफ के बारे में एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीडीएफ के बदौलत सरकार चली और अभी भी चल रही है। नैथानी ने सीएम हरीश की भी खूब तारीफ की। हल्द्वानी के मोतीनगर में 24 सितंबर को मुख्यमंत्री हरीश रावत तराई भावर महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 24 से 26 दिसंबर तक होने वाले महोत्सव में उत्तराखंड के विभिन्न कलाकार हिस्सा लेंगे। बीजेपी नेता हरक सिंह रावत ने राज्य सरकार पर बीजेपी विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्य न करने का आरोप लगाया। हरक सिंह ने आरोप लगाया कि जिन कांग्रेस विधायकों की सीएम से नहीं बनती उनके क्षेत्र में भी काम नहीं हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष शोभन सिंह कुंजवाल ने साफ कर दिया है कि सत्र बुलाना है या नहीं बुलाना है इसकी गेंद अब सरकार के पाले में है। सत्र अवसान हो चुका है, ऐसे में नया सत्र बुलवाने के लिए मंत्रिमंडल में फैसला लिया जाएगा। भाजपा ने कांग्रेस और पीडीएफ दोनों पर करारा वार किया। भाजपा ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि सत्ता की मलाई लूटने के लिए कांग्रेस में एक बड़ा और बिखराव होगा और वही हो रहा है। हरिद्वार में भाजपा नेता पर एक वृद्ध दलित महिला के साथ मारपीट और जमीन कब्जाने का आरोप है। पूर्व प्रधान पुत्र साधन चौधरी और उसके दो अन्य साथियों ने पहले तो वृद्ध दलित महिला की जमीन कब्जा ली और फिर वृद्धा से मारपीट की है। हल्द्वानी में कार लूट की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने वनभूलपुरा संघर्ष समिति के युवाओं की जमकर पिटाई की। आरोप है कि एसओ वनभूलपुरा ने 3 युवाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जब पूछताछ में कुछ नहीं निकला तो एसओ ने गुस्सा निकालने के लिए युवाओं की खूब पिटाई की। रुड़की के खंजरपुर गांव में करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह में एक महिला भी शामिल है। गिरोह का मास्टरमाइंड एक रिटायर्ड कर्मचारी बताया जा रहा था। काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र में एक फर्जी डॉक्टर का सत्ता में आया, बिना डिग्री के ही लोगों का इलाज कर रहा था। समाचार प्रस की पड़ताल में हकीकत सामने आई है। नैनीताल के पहाड़ी क्षेत्र में 2 दर्जन से ज्यादा सैलानी बिना स्थानीय पुलिस सतर्कता विभाग और LIU को सूचित किए 28 दिन से ठहरे हुए हैं, जिससे कि LIU और गोपनीयता विभाग में हड़कंप है। सभी विदेशी फेसबुक में विश्व भर में एक रेनबो गैदरिंग नाम के ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उत्तरकाशी में संसदीय सचिव गंगोत्री विजयपाल सिंह ने 10,14,44,000 की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। मसूरी में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देशों को ताक पर रखकर कई इलाकों में निर्माण कार्य हो रहा है। कैमलबैक रोड और कैंपटी रोड पर कई बिल्डर्स ने पुरानी संपत्तियां खरीद ली हैं और यहां रिसॉर्ट और दूसरे बड़े रेस्टोरेंट्स बनाए जा रहे हैं। देहरादून को इंडोर गेम्स के लिए एक और ऑडिटोरियम मिलने वाला है। खेल विभाग ने परेड ग्राउंड में अपने पुराने ऑफिस को हटाकर नया इंडोर ऑडिटोरियम बनाने का फैसला किया है। लालकुआं के नवनियुक्त पुलिस क्षेत्र अधिकारी लोकजीत सिंह ने व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चर्चा की। साथ ही व्यापारियों से कहा कि वो अपने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर कैमराज लगाएं। चंपावत जिले में विश्व पर्यटन दिवस पर ट्रैकिंग अभियान का शुभ आरंभ किया जाएगा। इस साल पर्यटन विभाग की तरफ से सभी के लिए पर्यटन संबंधी विषय जारी किया गया, जिसके तहत 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के दिन ट्रैकिंग अभियान का शुभ आरंभ किया जाएगा। उरी हमले से आक्रोशित हरिद्वार में आक्रोशित लोगों ने जिलाधिकारी कैंप कार्यालय के बाहर नवाज शरीफ के पोस्टर्स पर खालिक पोत कर जलाया और पाकिस्तान के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया।